नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उसकी दास्तां किसी से छुपी नहीं है। यहां आए दिन हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों पर हमले किए जाते हैं, उनके घरों को ध्वस्त किया जाता है और इस सब में मजहब का जहर घोल के बच्चों को जिहादी बनाया जाता है। जी हाँ, उनका इस्तेमाल करके गैर मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता है। इन सब में बड़ा हाथ कट्टरपंथी मौलाना का होता है। हाल ही में पाकिस्तान से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि इमरान के पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। जी हाँ, अब मंदिरों पे हमला किया जा रहा है, तोड़फोड़ किए जा रहा है, जिसे अब भारत की रामनगरी अयोध्या के साधु संतों का गुस्सा टूट पड़ा है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं साधु संत, देखते हैं इस रिपोर्ट। पाकिस्तान के पंजाब में गणेश मंदिर पर भीड़ के हमले का विरोध भारत में भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संतों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। अयोध्या के सूर्यकुंड महंत परमहंस दास ने वहां के रहने वाले लोगों और शिष्यों के साथ पाकिस्तान में मंदिर पर हमले को लेकर अपना गुस्सा जताया है। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। तपस्वी छावनी ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर पाकिस्तान में तोड़ा गया है। इसके विरोध में हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने की घटना पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से दखल देने की मांग की है। राजू दास ने कहा कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़ फोड़ की है। देवी देवताओं की मूर्ति का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बीते दिनों पाकिस्तान के पंजाब में एक गणेश मंदिर पर भीड़ ने हमला किया। पाकिस्तान की एक अदालत ने मस्जिद की दीवार पर पेशाब करने के आरोपी 8 साल के बच्चे को रिहा करने के फैसले के विरोध में ये हमला किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंकवाद और बाकी धाराओं के मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही अदालत के आदेश के बाद ध्वस्त मंदिर की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि गिद्ध गैंग और मोमबत्ती गैंग इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अगर यही मामला किसी और समुदाय का होता तो ये लोग शायद खुद सड़कों पे उतर आते। क्योंकि ये हिंदू समुदाय का मामला है तो ये अब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हमारे अयोध्या के संतों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका गुस्सा इस बात पर जायज है। संतों ने पाकिस्तान में गणेश मंदिर पर भीड़ के हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।